भारत डेवलप कर रहा दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन, तकनीक ऐसी जिसे देखकर पागल हो जाएगा चीन। ड्रैगन की कमर तोड़ने के लिए साल 2025 तक सेना में होगा शामिल, भारतीय वैज्ञानिकों ने दी बहुत बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में बवंडर पैदा करने के बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी में सुनामी लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत को पता चल चुका है कि आने वाले युद्धों में फाइटर जेट्स के स्थान पर फ्यूचरिस्टिक ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि भविष्य में जिस देश के पास जितने ताकतवर ड्रोन होंगे, युद्ध के मैदान में वो देश अपने दुश्मनों पर उतना ही भारी पड़ेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिक एक साथ 4 ऐसे मायावी ड्रोन को उतारने की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन अभी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। जी हां, ऐसी टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन अभी अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। अमेरिका का जो MQ-9B ड्रोन है वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब ये ड्रोन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी तकनीक देखकर अमेरिका पागल हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका भारत से इस ड्रोन की मांग करे। दोस्तों, भारत में अभी तक जितने भी ड्रोन तैयार किए जाते थे उनकी टेक्नोलॉजी काफी कुछ अन्य देशों के ड्रोनों की टेक्नोलॉजी से मेल खाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय वैज्ञानिकों ने जिन फ्यूचरिस्टिक ड्रोनों को डेवलप करना शुरू किया है उनमें अत्याधुनिक और अनूठी तकनीकों को इंस्टॉल किया गया है। इन ड्रोनों की विशेषता ये है कि इनमें अत्याधुनिक सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इन ड्रोनों की कार्यक्षमता में ताबड़तोड़ सुधार होता दिख रहा है। इसके अलावा ये ड्रोन हाई स्पीड पर उड़ने और मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। यही कारण है कि इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोनों में शुमार किया जा चुका है। दोस्तों, इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिक भारतीय सेना के लिए जिन 4 ड्रोनों को विकसित करने में जुटे हुए हैं उनकी तकनीक भी काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक होगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो दुनिया में अभी तक जितने भी ड्रोन तैयार किए गए हैं ये 4 ड्रोन उन सभी के बाप होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन अभी ना तो चीन के पास मौजूद हैं और ना ही पाकिस्तान के पास। चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, पूरी दुनिया में किसी अन्य देश के पास भी ऐसी तकनीक वाले ड्रोन मौजूद नहीं है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भारतीय वैज्ञानिक ऐसा कौन सा ड्रोन विकसित कर रहे हैं जिसकी टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन अभी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इस ड्रोन का नाम है कैट्स ड्रोन, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया जा रहा है। भारत के कैट्स प्रोजेक्ट को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा इस प्रोजेक्ट को साल 2025 तक कंप्लीट कर लेने का ऐलान किया गया है। यानी कि साल 2025 तक भारतीय वायुसेना और नौसेना के पास ऐसा मायावी ड्रोन आ जाएगा जो दुश्मनों को चैन की नींद नहीं सोने देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा साल 2018 में कैट्स ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कैट्स का पूरा नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 बेहद ही खतरनाक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में किया जाएगा। इनकी रेंज 100 से 170 किलोमीटर के बीच होगी। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम किए जा सकते हैं। अगर इनको फाइटर जेट में लगाकर उड़ाया गया तो न केवल इनकी रेंज बढ़ जाएगी बल्कि सटीकता और मारक क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के कैट्स ड्रोन को लेकर घबराए हुए हैं। साथ ही दुनिया की अन्य महाशक्तियां भी चिंतित हैं। तो चलिए, कैट्स प्रोग्राम के तहत डेवलप किए जा रहे 4 ड्रोनों और उनकी ताकत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जाने वाला पहला ड्रोन कैट्स वॉरियर है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो कैट्स वॉरियर ड्रोन के पास इतनी क्षमता मौजूद होगी कि ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रोन जमीन से खुद ही उड़ान भरने में सक्षम है।
और भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर 700 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। इसके अलावा ये 350 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद हमला करने वाले ड्रोन भी छोड़ सकता है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जा रहा है। कैट्स प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जाने वाला दूसरा ड्रोन कैट्स हंटर है। इसका वजन लगभग 600 किलोग्राम होगा। इसे खास तौर पर दुश्मन के ठिकानों पर विनाशकारी हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तव में कैट्स हंटर ड्रोन एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा। ये लंबी दूरी तक निशाना साधने में सक्षम होगा। इसे LAC तेजस, जैगुआर, सुखोई 30 MKI और भारतीय वायुसेना के अन्य फाइटर जेट्स से भी लॉन्च किया जा सकेगा। ये दुश्मन की हवाई सुरक्षा को डिस्ट्रॉय करते हुए सीमा में काफी अंदर तक हमला कर सकता है। कमाल की बात तो ये है कि इसके विंग्स को मोड़ा जा सकता है। ये 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या खुद ही एक आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये वापस भी लौट सकता है। कैट्स प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा तीसरा ड्रोन कैट्स अल्फा है। इसे स्वार्म अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म यानी कि अल्फा एस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आत्मघाती हथियार है, यानी कि अगर एक बार इसको छोड़ दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद को ही तबाह कर लेगा, साथ ही दुश्मन का भी सफाया कर देगा। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है, साथ ही 5 से 8 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। कैट्स प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। चौथा ड्रोन कैट्स इन्फिनिटी है, जिसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिक विकसित कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी कि HAPS के तौर पर किया जाएगा। ये ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा और क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी करना होगा, लेकिन भविष्य में इसे एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भारत विंगमैन ड्रोन तकनीक के मामले में अभी दुनिया के सभी देशों से काफी आगे चल रहा है। 2025 तक भारत कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत बनने वाले सभी ड्रोनों का सफल परीक्षण कर लेगा, जिसके बाद भारत इसे अगले कुछ सालों में अपनी तीनों सेनाओं में शामिल कर लेगा, ताकि दुश्मनों के खिलाफ इन ड्रोनों का इस्तेमाल करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को कम से कम कितने कैट्स ड्रोन सेना में शामिल करने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।